इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में तीसरा T20 मैच। अगर इस मैच में आप लोग सोच रहे हो अपनी मेगा कॉन्टेस्ट टीम बनाने के लिए, या ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन है कि किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलना है, कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि सेकंड मैच में तो फ्लॉप हुए बट इस मैच में हम उनको ट्राई करें, अगर आपको पता चले तो दोस्तों। क्योंकि आपको पता भाई पहले T20 मैच में हमने आपको क्लीन स्वीप दी और सेकंड T20 मैच में तो भाई हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप दी। क्योंकि आपको पता है हमारी टीम का कैप्टन कौन था, नीतीश कुमार रेड्डी। और जो कि अगर आप देख रहे होगे फैंटेसी टेलीग्राम चैनल पर, किसी के भी टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, वो टीम प्रोवाइड नहीं की गई जिसमें कि कैप्टन नीतीश कुमार रेड्डी को बनाया गया, बट वो कहाँ मिला, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जो भाई ज्वाइन है उनको पता होगा, ठीक है। तो ये तीसरा T20 है जो कि 12 अक्टूबर 7 बजे शाम में खेला जाने वाला है और राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद के पिच पर दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। तो इस मैच में स्मॉल लीग मेगा कॉन्टेस्ट की टीम, 3 से 4 मेंबर वाली टीम कैसे बनाएं जिससे कि दोस्तों अच्छी खासी रैंक ला पाएं, अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएं। पिच रिपोर्ट दोस्तों क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखना है, ठीक है। ये आप कर ही लोगे तो बिल्कुल, आप अगर वीडियो देख लोगे तो भाई स्मॉल लीग तो आपकी कन्फर्म है, 3 से 4 मेंबर वाली टीम में भी आप क्लीन स्वीप करने वाले हो, बट मेगा कॉन्टेस्ट के लिए दोस्तों वीडियो जरूरी है क्योंकि यहां पे सारी चीजें हम लॉजिक तरीके से समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि पहले मैच में कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जो थे उन्होंने परफॉर्मेंस किया, हर्षदीप जैसे आपको पता है, ठीक है। बट आपने क्या देखा, सेकेंड T20 मैच है दोस्तों, ड्रीम टीम से बाहर। और आपने ये भी देखा होगा दोस्तों, जो हमारे ट्रंप कार्ड थे रिंकू सिंह, ओके गाइस, वो आपने देखा। तो इस मैच में कौन से ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होंगे वो आपको अगर देखना है, अगर वाकई आप टीम बनाना चाहते हो तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको करना क्या, सबसे पहला काम होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, यहाँ पे कोई पैसे नहीं लगते। वीडियो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक हमने जो है आपको प्रोवाइड किया है, आप वहां से आ सकते हो। फाइनली यहाँ पे फ्री में आपको टॉस के बाद जो है टीम मिलती है मेगा कॉन्टेस्ट के, स्मॉल लीग की और 3 से 4 मेंबर वाली टीम, ठीक है। जो हमारा कंफ्यूजन होता है वो लास्ट टाइम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों बैटिंग ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी टीम दोस्तों पहले बैटिंग करने वाले, टॉस भी इंपोर्टेंट होता है। और वही चीजें दोस्तों मैंने सेकंड मैच में कवर किया था कि आपको बताया था कि अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करेगी तो किस हिसाब से टीम बनाना है, अगर बांग्लादेश टीम पहले बैटिंग करेगी तो किस हिसाब से टीम बनाना है, कौन से खिलाड़ी चल सकते हैं, कौन से फ्लॉप हो सकते हैं, वो सारी चीजें। बाकी दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड देखते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि फिलहाल हैदराबाद का, ठीक है। यहां पर अगर देखोगे टोटल मुकाबले जो है 2 ही खेले गए और दोस्तों दोनों मुकाबले चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। एंड स्कोरिंग पैटर्न जो रहा यहां पर वो फिलहाल रहा है 170 प्लस का एक बार और दोस्तों 190 प्लस का एक बार। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों इस वेन्यू का रहा है 207 का एंड जो कि एवरेज आप जो है यहां पे मान के चल सकते हो दोस्तों 190 का, ठीक है। और ये किसके लिए, जब अपनी इंडिया टीम पहले बैटिंग करे। अगर बांग्लादेश टीम दोस्तों पहले बैटिंग करते तो आपको पता है कि होम ग्राउंड हमारे इंडिया टीम का है, और अगर टीम का कंपैरिजन भी करेंगे तो अपनी इंडिया टीम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बांग्लादेश को देखते हुए। तो उस कंडीशन से अगर यहाँ पर बांग्लादेश पहले बैटिंग करेगी तो फिर 140 का स्कोर बना सकती है वो टीम भी इस वेन्यू को देखते हुए, क्योंकि दोस्तों ये वेन्यू है ओवरऑल देखिए यहाँ पर विकेट गिरते हैं बट बैट्समैन भी अच्छे खासे रन बनाते हैं। IPL के कुछ मैचेस आपको बताना चाहूँ तो टाइम ज्यादा हो जाएगा बट आप लोग समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे जो कि लोवेस्ट स्कोर रहा वो भी दोस्तों 186 का, हालांकि 2 ही मैच खेले गए, एक में दोस्तों 186 बना और एक में दोस्तों हाईएस्ट जो बना 207 का। स्पिनर पेसर दोस्तों इस वेन्यू पे जो ज्यादा विकेट निकालते हैं वो देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों जो है स्पिनर और पेसर दोनों को विकेट मिलती है। जैसे कि दोस्तों अगर हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट के दो जो मुकाबले खेले गए वो खेले गए दोस्तों 2022 को, ठीक है, और एक 2019 को। पहला मैच यहाँ पे 2019 को खेला गया था जो कि वेस्ट इंडीज टीम 207 का स्कोर कर रही है और अपनी इंडिया टीम 209 बनाकर के मैच को जीत रही है। हालांकि यहां पे पेसर को इस मैच में 3 विकेट मिली थी और स्पिन बॉलर्स को दोस्तों 6 विकेट मिली थी। और सेकंड मैच जो इस वेन्यू का है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया 186 और अपनी इंडिया टीम 187। हालांकि अगर आप देखोगे यहाँ पे पेसर को 6 विकेट और स्पिनर को दोस्तों 4 विकेट, इससे आप एक चीज ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो कि दोस्तों यहाँ पे टीमें 3 टीम यहाँ पे खेली हुई है वो तीनों टीम स्ट्रांग है बैटिंग लाइनअप से दोस्तों। तो उस कंडीशन से यहाँ पे स्कोर बना, ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पे जो एवरेज स्कोर 190 प्लस का है तो बांग्लादेश भी पहले बैटिंग करके उतना स्कोर कर लेगी, ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये आपको समझना होगा। बाकी देखिए आज के इस मैच में क्या हो सकता है, दोनों टीम की तरफ से आपको पता है इस कहने की पेस लाइनअप जो है बॉलर्स का वो थोड़ा सा स्ट्रांग है। स्पिन बॉलर्स अगर आप देख रहे हो दोनों तरफ से, अगर अपनी इंडिया टीम की तरफ से देख रहे हो दोस्तों वरुण चक्रवर्ती एक ऐसे स्पिन बॉलर्स हैं जो कि विकेट निकाल रहे हैं, ठीक है। और सामने टीम से अगर आप देखोगे तो वहां पे भी आपको रिशाद हुसैन, महेंद्र मिराज जैसे कुछ कंसिस्टेंट खिलाड़ी देखने को मिलते हैं जो कि एज ए स्पिनर हैं। बाकी अगर हम बात करें हेड टू हेड दोस्तों लास्ट 10 मैचेस में अपनी इंडिया टीम 9 मुकाबले और बांग्लादेश ओनली 1 ही मुकाबला जीत करके आ रही है, और अपनी इंडिया टीम का रिसेंट फॉर्म काफी गजब है, पूरी तरीके से क्लियर है विन है, एंड बांग्लादेश लगातार 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस हार करके आ रही है। तो यहां से आप समझ सकते हो, बाकी दोस्तों ये तीसरा T20 मैच है, यहां पे कुछ चेंजमेंट भी हो सकता है।
जैसे कि कुछ जो प्लेयर यहाँ पे अपने इंडिया टीम के स्क्वाड में है जो बैठे हुए उनको भी लाया जा सकता है, तो भाई उनका भी रिकॉर्ड हम आंकड़े देखेंगे कौन सा खिलाड़ी अगर आता है तो रखना है कि नहीं रखना है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लाइनअप आपको पता है, देख लीजिए एक बार फिर से, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोस्तों ओपन करते हैं, फिर सूर्य कुमार यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पंड्या, रियान पराग, रिंकू सिंह एंड सुंदर एंड वरुण चक्रवर्ती एंड मयंक यादव एंड दोस्तों यहाँ पे अर्शदीप सिंह, ये लाइनअप है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मेन बॉलर जो है अर्शदीप सिंह है, मयंक यादव है, वरुण चक्रवर्ती है, ये मेन बॉलर्स हैं अपनी टीम के। बाकी सुंदर भी दोस्तों बॉलिंग करा सकते हैं, पार्ट टाइम दो ओवर कराते हैं, कभी कभी तीन, कभी एक, इस हिसाब से कंडीशन की दोस्तों रहती है। एंड रियान पराग को दोस्तों मैंने बताया था, अगर याद होगा वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने बताया था कि दोस्तों रियान पराग भी बॉलिंग कराएगा, पहले मैच में नहीं कराया बट इसमें कराएगा क्योंकि दोस्तों स्पिन के लिए बढ़िया पिच थी वो, ठीक है। एंड यहाँ पे रियान पराग ने भी दोस्तों बॉलिंग कराई, हार्दिक पंड्या तो आपको पता चाहे एक ही ओवर कराए बट कराएंगे कराएंगे, नीतीश कुमार रेड्डी लास्ट ओवर दोस्तों चार ओवर करा के गए और भाई आपने रन भी देखे, हमारे कैप्टन भी थे, तो भाई ये कंडीशन है बॉलिंग की जो दोस्तों करा सकते हैं, ठीक है। बट मेन बॉलर्स यहाँ पे तीन रहने वाले जिनके चार ओवर तो फिक्स हैं, अगर अच्छा जो कि यहाँ पे इकोनॉमी रेट लेकर के चलते हैं, मतलब दोस्तों ज़्यादा रन स्टार्टिंग में नहीं देते तो, ठीक है। स्टार्टिंग के ओवर जो है दोस्तों मयंक यादव, अर्शदीप और सुंदर करते हैं, डेथ में अगर बात करें मयंक यादव, अर्शदीप और हार्दिक पंड्या, ये जो कि स्टार्टिंग और डेथ के बॉलर्स हैं। अब यहाँ पे अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करेगी तो क्या कॉम्बिनेशन करेंगे, अगर चेस करेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन करेंगे दोस्तों, कुछ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ अगर, तो यहाँ पे भाई अभिषेक शर्मा हैदराबाद टीम से खेल रहे थे, ठीक है, और हैदराबाद के टीम के साथ खेलते खेलते भाई इन्होंने इस वेन्यू पे जो डोमेस्टिक आईपीएल मैच खेला भाई टी20 का, भाई उसमें आपने देखा कि ये बंदा किस हिसाब से किस लेवल से खेलता था इस वेन्यू पर, ठीक है, मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग गई टवी सेट के साथ आपको पता होगा, ठीक है, और रेड्डी भी वही फॉर्म में था, तो गई कहीं ना कहीं सॉरी अभिषेक से इस मैच में कुछ यूनिक आप समझ सकते हो। लास्ट मैच 15+1 विकेट 16 यहाँ पे, ठीक है, 14+1 10+0, हालांकि इसको दोस्तों मैं भूल गया था ये भी बॉलिंग करा लेता, ठीक है, 83% इसका सिलेक्शन है। अब इस मैच में दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन को तो सभी लोग भरोसा तोड़ चुके हैं इस खिलाड़ी के ऊपर से, बट मैं फिर से कहूंगा कि हम हर मैच में 2 से 3 मेगा क्विंटिस की टीम बनाते हैं और दोस्तों जब हमें पॉसिबल लगता है कि ये मैच उस लायक है तो। अब इस मैच में दोस्तों मैं फिर से कहूंगा कि आप इसको कैप्टन करिएगा, ठीक है, कैप्टन आप फिर से करिएगा, ध्यान रखिएगा। और क्यों करना दोस्तों, क्योंकि भाई इस वेन्यू पर इसको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है और अच्छे खासे रन भी बनाए और इस मैच में उम्मीद है कि रन बनाएगा भी, ठीक है, तो कैप्टन मेगा कॉन्टेस्ट की अगर एक टीम भी बनाते हो तो भाई रिस्क ले सकते हो, अगर आपको रिस्क पसंद है तो, ठीक है, यूनिक प्लेयर साबित हो सकता है आपके लिए। संजू सैमसन भाई इस खिलाड़ी का मैंने आपको बताया कि लक उतना साथ नहीं देता भाई, डोमेस्टिक मैचेस होते हैं आईपीएल वगैरह तो वहाँ पे खिलाड़ी तबड़तोड़ बैटिंग करता है, 80% सिलेक्शन एज अ विकेट कीपर है क्योंकि आपको पता है विकेट कीपर दोस्तों, बट आपको ये भी याद होगा हमने संजू सैमसन को भी ड्रॉप कर रखा था एक टीम में लिटन दास, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जैसे कि यहाँ ये 10 रन बना के आउट हो गए थे और फिलहाल इनको कुछ कैचेस नहीं मिली और भाई लिटन दास आकर 15 रन बना दिया, तो सिलेक्शन इनका आ जाता है बट ड्रीम टीम में दोस्तों वो खिलाड़ी आ जाएगा, ठीक है, फिर भी आपकी टीम कहीं ना कहीं नीचे चली जाएगी, तो उस कंडीशन से ज़्यादा भरोसा आपको संजू सैमसन के ऊपर भी नहीं करना है क्योंकि दोस्तों इनका लक जो है इंटरनेशनल मैचेस में बहुत कम साथ देता है। 29-0-0 यहाँ पे 58 दो मैच 39 रन बांग्लादेश के अगेंस्ट में है और फिलहाल अगर देखो फर्स्ट बैट करते तो 20 का औसत और चेस करते हुए 17 का औसत गेंस, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उतने अच्छे आंकड़े नहीं है संजू सैमसन के पास, बट ऐसा करेंगे 3 से 4 अगर 2 से 3 मेगा कैंटेस की टीम बनाएंगे तो फिर वहां से ऐसा कर सकते हैं कि 1-2 टीम में हम ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, एंड वो भी दोस्तों चेस करते हुए खिलाड़ी को अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो रिसेंटली परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। एंड सूर्य कुमार यादव दोस्तों 74% सिलेक्शन है, अगर रिसेंट देखोगे तो 8 और यहाँ पे 29 8 26 58 मतलब लास्ट 5 मैचेस दोस्तों हाईस्ट पारी 58 की है और बांग्लादेश के गेस में दोस्तों इस खिलाड़ी का बल्ला नहीं चलता, मान लीजिए आप लोग 4 मैच में 73 रन और 18 का औसत है, यहाँ से आप समझ सकते हो अकेले गजब के इस खिलाड़ी के, बट इस मैच में क्या कर सकते हैं, देखिए बैटिंग फ्रेंडली पिच है और इंडिया टीम अगर पहले बैटिंग करती गई या चेस करती तो फिर भी मैं कहूँगा कि एज अ कैप्टन आपको 2 से 3 मेगा कॉन्टेस्ट की टीम बना दो तो करना होगा, अगर एक टीम बनाते हो तो एज ए प्लेयर अपनी टीम में रख सकते हो क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी दोस्तों रिस्क नहीं ले सकते ड्रॉप करने का क्योंकि कभी भी अच्छी खासी ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी दोस्तों हमने कैप्टन किया था 76% है, फर्स्ट बैट करते 74+2 विकेट और यहाँ पे चेस करते 16+0 विकेट, हालांकि यहाँ पे भी एक बाउंड्री आई थी और एक सिक्स आया था 16 रन में भी, तो खिलाड़ी तेज खेलने वाला है, स्पेन पर डोमेस्टिक के काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं इस खिलाड़ी के, तो भाई बिल्कुल आप सेफ कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ठीक है, और खास करके फर्स्ट बैट करते हो ज़्यादा उम्मीद इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों खेलने का मौका बहुत ज़्यादा होगा, स्पेस काफ़ी ज़्यादा होगा नीतीश कुमार रेड्डी के पास कि कितने भी रन बना जाए दोस्तों फर्स्ट बैट करते हुए। चेस करते हुए ये होगा कि अगर बांग्लादेश टीम पहले बैटिंग कर ली गई इस मान के चलिए आप लोग, ठीक है, तो उस कंडीशन में पहले उस टीम ने बैटिंग कर ली और बैटिंग करने के साथ साथ कम स्कोर किया 100-120 का, तो भाई फिर यहाँ पे जो ओपनर होंगे सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, भाई वो फिर 15-20 रन बना के अगर आउट भी होते हैं तो ज़्यादा स्पेस इनके पास होगा नहीं, तो फर्स्ट बैट करते हुए एज ए कैप्टन बहुत अच्छा पिक होगा, चेस करते हुए थोड़ा सा परहेज करिएगा कैप्टन बनाने से क्योंकि अब इस मैच में सभी लोग करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। एंड हार्दिक पंड्या की बात करें तो आपको पता है भाई सेफ है, लास्ट मैच बॉलिंग नहीं बट 32 है यहाँ पर 39+1 22+2 9+0 95% सिलेक्शन है, भाई बॉलिंग कभी भी कर सकता है और इस पिच पे भाई पेसर स्पिनर दोनों को है, हालांकि उम्मीद रियान पराग से भी की जाएगी इस मैच में,
फर्स्ट बैट करते हो ट्राई करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए हार्दिक पांडे तो कैप्टन की पिक तो है ही भाई, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग, बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस देता है और बैटिंग से भी करता है। रियान पराग एज अ ट्रम्प कार्ड आप इस मैच में भी ट्राई कर सकते हो, 17% सिलेक्शन है। जिस टीम में दोस्तों संजू सैमसन को आप ड्रॉप कर रहे हो उस टीम में एज अ ट्रम्प कार्ड पिक, क्यों दोस्तों? क्योंकि इस पिच पर भी स्पिन के लिए काफ़ी अच्छी हेल्प है। लास्ट मैच आपने देखा पहले मैच में बॉलिंग नहीं मिली, ठीक है, और ना ही बैटिंग मिली, बट लास्ट मैच आपने देखा बैटिंग का तो छोड़िए बट बॉलिंग मिली दोस्तों, और विकेट इसने चटकाए, और विकेट दोस्तों इसके काफ़ी बढ़िया इसके पास हैं, ठीक है, इसके पास विकेट काफ़ी बढ़िया बढ़िया दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एंड रिंकू सिंह की दोस्तों बात करेंगे तो लेफ्ट बैट्समैन है, 37% सिलेक्शन है इनका। अब दोस्तों देखिए जब हम 2 से 3 मेगा क्वांटिटीज की टीम बनाएंगे तो सेम टीम दोस्तों थोड़ी बनाएंगे कि यार सभी टीम में सूर्या को रखें, अभिषेक को रखें, संजू सैमसन को रखें, ठीक है, ये सभी टीम के खिलाड़ी नहीं है कि सभी टीम, क्योंकि दोस्तों नहीं पास बैटिंग का ऑप्शन, अगर भाई 7 से 8 रन बनाकर के आउट हो गए तो फिर उस कंडीशन में सभी टीम फ्लॉप हो जाएगी, तो फिर एक टीम में हमको उनको ट्राई करना है जिसमें कैप्टन करेंगे उनको, ठीक है, उस टीम में ही रखना है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रम्प कार्ड आपके पास दूसरे जो होंगे, पहले रियान पराग, दूसरे दोस्तों आपके पास ट्रम्प हैं रिंकू सिंह, इनको कब ट्राई करना है जब आप टॉप ऑर्डर्स में उम्मीद कर रहे हो कि यार विकेट जा सकती है, और मुझे उम्मीद है कि यार देखिए चेंजमेंट भी होंगे इस टीम में अपने इंडिया के, क्योंकि भाई तीसरा मैच है ऑलरेडी हमने सीरीज जीत लिया तो उस कंडीशन से, ठीक है, तो फिर अगर यहाँ पे कुछ चेंजमेंट होता है, प्रमोट होता है खिलाड़ी, तो बिल्कुल आपके टीम के लिए ट्रम्प कार्ड होगा। सुंदर भाई बॉलिंग करता है और लगातार विकेट बढ़िया निकालता है, 33% सिलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक विकेट यहाँ पे एक, 25+2 यहाँ पे एक, अगर दोस्तों मान लीजिए हार्दिक पंड्या या सूर्य कुमार या तो कोई भी बैठता है बड़ा खिलाड़ी तो भाई सुंदर आपके लिए अच्छा पिक होगा, हालांकि इसको ड्रॉप भी नहीं करना आपको, ठीक है। बाकी चक्रवर्ती भाई वाइस कैप्टन हमने किया था आपको पता होगा किसके साथ, और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ, आपने देखा 2 विकेट, उसके पहले 3 विकेट। इस मैच में बात करें तो बिल्कुल अच्छा प्लेयर है भाई, आप ट्राई करिएगा, ठीक है, टीम में बिल्कुल रख सकते हो, फर्स्ट बॉल करते हो भी, सेकंड बॉल करते हो भी, क्योंकि रिसेंट अगर आप देखोगे इंटरनेशनल मैचेस पर इसने पहले भी खेले हैं और अच्छे खासे विकेट चटकाई हैं। अर्शदीप की बात करेंगे तो 91% सिलेक्शन है, हालांकि खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट बॉल करते हुए भी गजब के आंकड़े इसके पास, चेस करते थोड़ा सा वीक पड़ता है, ठीक है, मतलब सेकंड अगर आप देखोगे तो फिर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लड़खड़ाता है, ठीक है, बट यार मैं तो यही आपको प्रेफर करूंगा कि आप दोनों तरफ से ट्राई करिएगा सीबीसी, क्योंकि ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि ऐसा खिलाड़ी देखिए 3 विकेट 2 विकेट यहाँ पे 2 विकेट, मतलब हाई विकेट टेकर, तो सीबीसी का एक ये भी ऑप्शन है आपके पास। देखिए रेड्डी हो गए, चक्रवर्ती रेड्डी आपको फर्स्ट बैट करते हुए रखना है, चक्रवर्ती हो गए, अर्शदीप हो गए, हार्दिक पंड्या हो गए, सूर्या और अभिषेक एज अ यूनिक प्लेयर दोस्तों, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, ठीक है, आप समझ सकते हो, तो उस कंडीशन से थोड़ी सी यूनिक एक टीम हम बना के चलेंगे, मतलब रिस्क टीम। एंड उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मयंक यादव जो कि लगातार विकेट हैं बट पॉइंट्स उतने ठीक ठाक नहीं, 34% सिलेक्शन है, ऐसा नहीं करना है, इसके सभी टीम में रखेगा, ठीक है, ये गलती आपको नहीं करके चलनी। बेंच की बात करेंगे तो रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा, जितेंद्र शर्मा यहाँ से चांस बन सकता है। देखिए बिश्नोई अगर आते हैं तो कैप्टन वाले पिक होंगे आपकी टीम के लिए, ठीक है, अगर खेलता है। तिलक वर्मा अगर आएगा तो तीसरे चौथे नंबर बैटिंग करेगा, फिर आपके लिए एक यूनिक पिक होगा। जितेंद्र शर्मा संजू सैमसन की जगह पर खेल सकता है, अगर आता है तो अगर बैटिंग ऑर्डर ऊपर होता है तो फिर रख सकते हो, ये आपके लिए संजू सैमसन से भी बेस्ट कर सकते हैं, तीनों खिलाड़ी यूनिक है, ठीक है दोस्तों। कोई अपडेट होगा किस प्रकार से रख रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें बांग्लादेश टीम की तरफ से क्या लाइनअप था, लिटन दास, परवेज हुसैन, इमोन जो कि दोस्तों ओपन करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे तो नजमुल हुसैन सेंटो, तवीद उड्डा, महमूदुल्लाह, जाकिर अली, मेहंदी सिद्ध मिराज, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, तंजीम हसन साकिब, और यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान। साकिब को दोस्तों मैंने आपको बेंच में भी बताया था, ठीक है, और भाई इसी की वजह से जो है हमारा सूर्य कुमार यादव और जो है दोस्तों क्या बोलते हैं अभिषेक शर्मा, वो थोड़ा सा बैटिंग वीक हुई उनकी, क्योंकि खिलाड़ी अगर ऐसा यार बांग्लादेश की तरफ से मुझे लग रहा है कि अच्छा करेगा भविष्य में बांग्लादेश टीम के लिए। बाकी दोस्तों बात करेंगे स्टार्टिंग के और मेहंदी हसन मिराज, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, देखने मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और तंजीम हसन साकिब दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहे, अगर टीम पहले बैटिंग करती है, चेस करती है, क्या फिर से दोस्तों टीम वीक जाएगी, या यहाँ से कोई रखना ही नहीं किसी खिलाड़ी को। 33% दोस्तों इनका जो सिलेक्शन है लिटन दास का, 14 और यहाँ पे 4। अब दोस्तों लास्ट मैच आपने देखा कि संजू सैमसन से ज्यादा रन बना गया और ड्रीम टीम का प्लेयर ये साबित हुआ, ठीक है, तो वही करना है आपको, एक टीम में इसको ट्राई करेगा और एक टीम में जो कि दोस्तों संजू सैमसन को रखेगा, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है। और हाँ, हालांकि अगर आप दोनों को एक साथ रखना चाहो तो तीसरी टीम में कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये कॉम्बिनेशन कोई करके नहीं जाएगा, एज अ विकेट कीपर दो में कोई एक रखेगा, दोनों को एक साथ कोई लेकर के जाने वाला नहीं, कुछ यूनिक करोगे तभी दोस्तों कुछ करोगे आप, ठीक है। एंड उसके बाद परवेज हुसैन की बात करें, 16 रन, हालांकि 0.5% सिलेक्शन है भाई, इनको तो रखना नहीं है क्योंकि इनका फायदा अपने इंडिया टीम के बॉलर्स को मिलने वाला है। बाकी नजमुल हुसैन सेंटो दोस्तों ऐसा पिक आपको ट्राई करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन तो करने लायक है नहीं, 47% सिलेक्शन है और 4 मैच में 99 रन अपनी टीम के अगेंस्ट में, और खिलाड़ी कहने के अगर आप देखोगे तो फर्स्ट बैट करते हो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बैटिंग करता है तो फर्स्ट बैट करते हुए ट्राई करेगा। एंड हिरुडा की बात करेंगे तो लगातार फ्लॉप है, लास्ट 5 मैचेस अगर आप देखोगे तो हाई स्पारी 14 की, ठीक है, ड्रॉप कर सकते हो। बाकी दोस्तों बात करें यहाँ पे महमूदुल्लाह की, तो बॉलिंग बैटिंग दोनों आती है, ठीक है, लास्ट मैच में दोनों देखने को मिला, तो 21% सिलेक्शन है, अनुभवी खिलाड़ी, काफी गजब के आंकड़े, काफी ओल्ड प्लेयर है बांग्लादेश टीम का, तो रखना चाहो तो रख सकते हो उस खिलाड़ी को, क्योंकि बॉलिंग भी करते, अगर गलती से एक विकेट मिल गई तो काम बन जाएगा दोस्तों। कब रखना है, जब नजमुल हसन सेंटो को आप ड्रॉप करो तब रखना है। जाकिर अली राइट बैट्समैन है,
0.3% सिलेक्शन है, बहुत नीचे बैटिंग है और उतना खास रोल है नहीं, ड्रॉप कर सकते हो। मेहंदी सिंह मिराज बॉलिंग बैटिंग दोनों है, रख सकते हो, सेफ है। रिजाल हुसैन दोस्तों बॉलिंग बैटिंग दोनों, लास्ट 3 विकेट है हमने दोनों मैचेस दोनों इनिंग में रखा है, पहले मैच में दोस्तों और सेकंड मैच में। पहले मैच में भले ही उतना खास कुछ कर नहीं पाया बट लास्ट मैच आपने देखा 3 विकेट, क्योंकि दोस्तों खिलाड़ी बढ़िया। पहले बॉलिंग करते हो 14 में 21 विकेट हैं, सेकंड बॉल करते हो 11 मैच दोस्तों 12 विकेट हैं, 66% इसका सिलेक्शन भी, मतलब अगर मान लीजिए बांग्लादेश टीम पहले बैटिंग करेगी ठीक है तो उस कंडीशन में दोस्तों इसको आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अगर दोस्तों इंडिया टीम पहले बैटिंग कर रही है तो 2 से 3 विकेट निकालेगा ठीक है। यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन, रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसके आंकड़े जो है दोस्तों फर्स्ट बॉल करते हो बढ़िया है। तस्कीन अहमद 2 विकेट 0 यहाँ पे 1-2-1 33% सिलेक्शन है, हालांकि अपने इंडिया टीम विकेट में 6 में 4 विकेट हैं और ये खिलाड़ी दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखोगे टीम में रखने के लिए तो यार विकेट निकाल सकते हैं, अगर कुछ चेंजमेंट होता अपने इंडिया टीम में ना तो भाई 2 से 3 विकेट फिर से निकालेगा। एंड तंजीम हसन साकिब की बात करें राइट मीडियम पे से 35% सिलेक्शन 2 विकेट है, ये खिलाड़ी देखिए 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे 0 यहाँ पे 4 मतलब अपने इंडिया टीम के गेस में ऑलरेडी एक ने इसने एक मैच खेला था उसमें भी 2 विकेट इसने निकाली थी और यहां पे दोस्तों इसने 2 विकेट निकाली और ये फिलहाल आपको पता है विराट कोहली को भी ऐसे कप में आउट कर चुका है ठीक है। तो आपको पता होगा तो खिलाड़ी थोड़ा सा बढ़िया है और खास करके फर्स्ट बॉल करते हो अगर ट्राई करना चाहो, सेकंड बॉल करते हुए सिलेक्शन भले ही हो गया हो 2 विकेट इसने भले ही निकाली बट ड्रॉप कर सकते हो आप। एंड मुस्तफिजुर रहमान अगर देखोगे 2 विकेट एक मतलब कंसिस्टेंट प्लेयर नजर आया और अपने इंडिया टीम में इसमें 12 में 7 विकेट हैं और लास्ट 5 मैच में अच्छा आंकड़े हैं दोस्तों यहाँ पे अगर देखोगे 7 विकेट हैं 5 मैचेस में जो रिसेंट खेले इसने, फर्स्ट बॉल करते 51 में 72 सेकंड 53 में 59 गए, मतलब कहीं ना कहीं जब पहले बॉलिंग करता है तो विकेट ज्यादा निकालता है, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग देखने को मिलती है, अदरवाइज सेकंड बॉल करते थोड़ा सा वीक होता है ठीक है, विकेट के चांस थोड़े से कम बनते हैं। 54% इनका सिलेक्शन रहने वाला है। एंड बिन सोरीफुल इस्लाम रकीबुल हसन और तंजीद हसन जो कि एज अ बैट्समैन है, कोई यहाँ पे चेंजमेंट होगा तो देख लीजिए, बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे अभी के लिए हमारी जो फैंटेसी टीम रहने वाली है क्या कॉम्बिनेशन करके चलेंगे, कैसी टीम है ये देख सकते हो दोस्तों। पहली टीम जो यहाँ पे संजू सैमसन ठीक है, अब यहाँ पे हमने संजू सैमसन को दूसरे में रखा है बट लीदन दास को आपको ट्राई करना है दोस्तों ठीक है। सूर्य कुमार यादव एंड अभिषेक शर्मा, अब यहाँ पे हार्दिक पंड्या और मेहंदी सिंह मिराज रिशाद हुसैन, अब यहाँ पे देखिए कैप्टन आपको किसको करना है नीतीश कुमार रेड्डी को, वाइस कैप्टन आपको किसको करना है चक्रवर्ती को ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपको करके चलना है। हार्दिक का दोस्तों आप अर्षदेव के साथ करिए, दोनों अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं अनुभवी हैं उस कंडीशन से, और सूर्या और अभिषेक का दोस्तों आप कर सकते हो ठीक है, जगह ज्यादा टाइम के साथ चलोगे। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे टीम के साथ में 11 प्लेयर के सिलेक्शन के साथ में दोस्तों। देखिए यहाँ पे फिर क्या करना है आपको, लीडन दास को रखना है ठीक है, और तीसरी टीम जो हमारी होगी वहाँ पे भाई हम दोनों को लेकर चलेंगे, थोड़ा सा यूनिक करेंगे दोस्तों क्योंकि आपको पता है आप खुद सोच रहे होगे यार दोनों को एक साथ ना रखें, और मुझे उम्मीद है कि दोनों ही शामिल हो सकते हैं अगर कुछ भी चेंजमेंट होता दोनों टीम की तरफ से तो ठीक है। एंड अभिषेक शर्मा नजमुल हुसैन सेंटो ठीक है, इसमें हमने रख लिया, उसमें ड्रॉप कर रखा था हमने से मिराज रिशाद हुसैन एंड यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी एंड अर्शदीप और यहाँ पे चक्रवर्ती और मैंक। देखिए दोस्तों मैंक को हमने दोनों टीम में रखा है तो इसमें मैंक को आप ड्रॉप करके या इसमें ड्रॉप करके दोस्तों आप यहाँ पे महमूदुल्लाह को ट्राई कर सकते हो, उसने बॉलिंग कराई थी ठीक है, और उम्मीद हो भी सकती है कोई रन बना सकता है ठीक है। एंड अभी के लिए दोस्तों दो टीम का प्रीव्यू यही है, बट ये प्रीव्यू है ओनली, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी जो कि दोस्तों टॉस के बाद आपको मिलेगी ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को अगर 30-20 मैच में कुछ अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हो, अच्छी खासी टीम दोस्तों बनाना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना था, मिलेंगे नहीं वीडियो में। जय हिंद जय भारत।